ब्यास नदी है उसके ऊपर पुल बना है और ये देहरा नाम का शहर है, बीच में टाउन देहरा टाउन, ये देख सकते हो आप, ये सामने से। अब ऊपर तक कर दिया इन्होंने रेलिंग, क्योंकि पहले यहाँ से लोग कई सुसाइड करते थे, गन वन फेंकते थे। ये देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो यहाँ सूख गया अब तो ऐसे सर्दी में बहुत सारा। साइड पे ये है बगुलामुखी मंदिर, ये स्टार्ट हो गई गेट इसका, तो आप देख सकते हो काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे। अभी तो कोविड है फिर भी कम है, बट यूजुअली यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, इससे तो कई ज़्यादा होता है, लाइक यू नो कई बार गाड़ी निकालने में भी दिक्कत आती है। और ये देखो लेफ्ट साइड पे ये है मंदिर। सो यहाँ पे लाइक बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम वीएम सब आते हैं यहाँ पे, बहुत फेमस मंदिर है। देखो लोग भी बहुत सारे हैं, अभी जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। राइट नाउ अभी हम बीच में रुके हैं रास्ते में, और यहाँ से एक्चुअली व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत लोग यहाँ रुकते भी हैं। आज तो क्या कहते हैं उस तरफ रुके हैं काफ़ी लोग, मतलब आज तो भीड़ कम है क्योंकि दिवाली का दिन है, बट यूजुअली यहाँ बहुत भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि सामने यू नो जैसे आपको दिख रहा है सामने बैठने के लिए पत्थर वत्थर हैं, पहाड़ यहाँ पे यू नो रॉक्स है एकदम स्लांटेड वाला, वहाँ देख सकते हो आप पीछे, तो वहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे जाके सारे लोग बैठते हैं। और ये गाड़ी खड़ी है अभी, और यहाँ पे आगे देखो ये रोड है, मेन रोड, ये जो हिमाचल वाला जा रहा है ये। और यहाँ पे ये देखो ये पहाड़ वहाड़ है, तो ये जब क्लियर होता है तो सब पहाड़ दिखते हैं। उसके पीछे भी पहाड़ है बर्फ़ वाले, मैं आपको जूम करता हूँ, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, मुश्किल ही है, बट वहाँ पे पहाड़ है एक्चुअली, बट धुंध की वजह से वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा बिल्कुल फॉगी स्मॉगी टाइप का, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो आज का ट्रिप हम लोग बहुत रुक रुक के जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कवर नहीं किया था, तो इसलिए अभी कवर कर रहे हैं इस ट्रिप को। और पीछे अभी जो व्यू है आपको सब दिख रहा होगा, मतलब व्यू था अब रहा नहीं क्योंकि सब धुंध हो गई। और जब मैं लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं फॉर्चुनेटली वहाँ पे व्यू अच्छा होता है, और वहाँ पे शायद आपको आज दिख जाए व्यू अगर मौसम अच्छा रहा तो। तो अब हम रास्ते में जाके आपको थोड़े थोड़े व्यू देंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको पालमपुर का व्यू देंगे सीधा। ये है टनल और इसके बाद हमारा कांगड़ा शुरू हो जाता है, तो ये टनल आप देख सकते हो, बहुत पुराने ज़माने की, अंग्रेज़ों के ज़मानों की टनल है। और इस टनल को अभी वैसा ही रखा गया, आई डोंट नो इसको थोड़ा सीमेंटेड क्यों नहीं किया, अभी तक ये मिट्टी की ही है। और देखो रोड की हालत भी खस्ता है, जो सामने ट्रैक है ये ट्रेन का ट्रैक है, और ये ब्रिटिशर्स के ज़माने की ट्रेन है, अभी भी चलती है, बहुत स्लो चलती है, हार्डली 40 की स्पीड में चलती है मेरे ख्याल से 30, और वो भी कभी कभी आजकल तो पटरी से उतरने लगी है। ये देख रहे हो आप ऊपर नैरो गेज है यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऊपर पटरी जो जा रही है अंग्रेज़ों के ज़माने की। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे सारा कांगड़ा का है, पुराना कांगड़ा फोर्ट भी आपको दिखेगा, वो सामने कांगड़ा फोर्ट है अगर आप देख सकते हो तो। और नगर परिषद कांगड़ा, आपका आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। ओके वेलकम वेलकम बैक। रोड यहाँ पे ख़राब है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, पहाड़ देख के पता चल गया होगा कि लैंडस्लाइड वाले पहाड़ हैं, और अभी भी शायद यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, तभी काफ़ी ज़्यादा रोड देखो ख़राब लग रहा है। यहाँ पे दो कार्स तो क्रॉस हो जाती हैं, बट एक बड़ा व्हीकल कोई आ गया, हैवी व्हीकल तो नहीं हो पाता। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा कंजस्टेड है। साइड में रुकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा रोड है। वो देखो सामने आपको मार्केट दिख रही होगी, यहीं से कांगड़ा की। और ये महाशय जी किसी की परवाह ना करते हुए, अवॉइड ही करना चाहिए था बट अब आ गए हैं, क्या कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे मंदिर है कांगड़ा का, जो कि आपको दिख रहा होगा। एंड वाह वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव वाह। लोगों को जल्दबाजी बहुत होती है, सबर खड़ा हो गया यहीं खड़ा हो गया सेंटर में। अब आपको पता चल गया होगा गाइस क्यों मैं इस रास्ते को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं, खतरों के खिलाड़ी। और बेस्ट पार्ट क्या है, आप देख सकते हो यहाँ बड़े बड़े शोरूम, यू नो लुइस फिलिप वैन ह्यूसेन वगैरह, यू नो पहाड़ी इलाके में ऐसे शोरूम्स होना अपने में बड़ी बात है। अब काफ़ी डेवलप हो गया ये वाला इलाका जो भी है, पहले इतना नहीं होता था। अब तो यहाँ को आपको आईफोन से लेकर डोमिनोज से लेकर हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी एकदम से। ये देखो रेड टेप का भी आउटलेट है यहाँ पे। सो बहुत सारी अच्छी अच्छी फ्रेंचाइज भी है, KTM बाइक्स वाइक सब चीज़ के, कार वार के शोरूम सब यहाँ पे है। सो जो हिमाचल था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हिमाचल, आप देख सकते हैं। हिमाचल रोडवेज़ की बस है, कांगड़ा होशियारपुर जा रही है, और कांगड़ा का बस स्टैंड है, और ये प्राइवेट बस स्टैंड है एक्चुअली, सरकारी नहीं है। सो गाइस अभी हमारे सामने है नगरोटा बगवा, ये एक और टाउन है, टाउन ही बोल सकते हैं ना, गांव नहीं बोल सकते, गांव बोलेगी, टाउन ही समझ लो। बहुत सारा यहाँ पे लोग रहते हैं, ऑब्वियसली रहेंगे, मतलब भीड़ से आपको आइडिया लग गया होगा। देवता लोग होते हैं, देवता लोग। जैसे कि आपने अभी देखा देवता जी ने हाथ आगे किया और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए अपनी गाड़ी स्लो कर दी। सो यहाँ पे यही चक्कर है कि आप लोग अगर गाड़ी चला रहे हो तो ध्यान से चलाना, वरना लोग यहाँ के ध्यान नहीं देते और ज़रा सी भी गाड़ी लग गई और आपने अगर डैश कैम नहीं लगाया है तो आपकी वाट लग जाएगी। आपके पास डैश कैम है तो चलो आपके पास प्रूफ होगा, जैसे मैं अभी GoPro से शूट कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास ये नहीं है देन फिर तो आपको भगवान ही बचा सकता है इनकी कुटाई से। देखो आप भीड़ कितनी ज़्यादा बसेस आ रही हैं यार, ये बाईपास बनने से। गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं और आप देख सकते हो पीछे अब आपको पहाड़ दिखने लगे होंगे, हिमाचल वाला फील आने लगा होगा। और यहाँ पे रुके क्यों है क्योंकि घर के लिए कुछ सब्जियाँ वगैरह लेनी है, तो यहाँ पे सब सब्जी वगैरह है तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। एंड ये देख सकते हो आप सामने नज़ारा, ये दरिया हिमाचल के बहते और वो सामने पहाड़ वहाड़ हैं और ये यहाँ पर सारी सब्जियाँ वगैरह हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इस टाइम 20 के आसपास है दोपहर को, और यहाँ पे मौसम अभी थोड़ा ख़राब है। चंडीगढ़ में क्लियर था बट यहाँ पे क्लियर नहीं है अब। और क्या कहते हैं, यहाँ पे ठंड पड़ने लगी है ऑब्वियसली, तो सर्दी वर्दी के कपड़े इसलिए पहन रखे हैं। अभी यहाँ से पालमपुर ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर है। और सो गाइज़ लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है अगर आप कहीं नई जगह आते हो। लाइक मुझे तो आदत पड़ गई है यहाँ की, बट अगर आप डेफिनेटली कहीं जा रहे हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। लाइक पहाड़ी रास्ते में यू नो वाइब्स अलग होती हैं। जैसे ही मैंने यहाँ का दिखाया होगा यू नो, सुबह हम कहाँ पे थे सिटी में यू नो, सिटी लाइफ में, और यहाँ पे पहाड़ में आके एक अलग सी शांति होती है। इवन आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो भी आपको इतना ज़्यादा यू नो अच्छा लगता है, तो सोचो रियल लाइफ में कितना अच्छा लगेगा। अभी तो ये तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से जो व्यू दिखाऊँगा एकदम फाड़ू है, मतलब आप देखोगे तो एकदम हिल जाओगे आप। वहाँ का व्यू तो बिल्कुल खतरनाक लगेगा। आई एम सो लकी कि मेरा वहाँ पे घर है यू नो, अपार्ट फ्रॉम दी यू नो, चंडीगढ़ में तो है ही है बट वहाँ पे घर है यू नो, तो होता ही है वो भी अपना घर, सो इसलिए स्पेशल है। तो मैं अभी आ गए हैं पापा, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अरे मटर था 50 के कितने पहिया है। गाइस अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं, ऑलमोस्ट पालमपुर पहुंच गए हैं, 2-3 किलोमीटर ही बचा है। और पीछे आपको दिख रहा होगा हम अभी फूल लेने के लिए रुके हैं यू नो, घर की डिमांड है, मम्मा ने मंगवाए हैं, कह रहे हैं दिवाली की पूजा करनी है, फूल वूल चाहिए, तो इसलिए हम अभी फूल लेने के लिए रुके हैं। और 2-3 किलोमीटर बचा है पालमपुर, पर जो हमारा घर है वो शायद 5 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर। सो आप देख लो सामने चल रहा है, और ये रही गाड़ी हमारी, और ये गाड़ी के साथ ये पूरा रोड जो है हिमाचल के रोड। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस टाइम बहुत मस्त टेम्परेचर, एक अलग सी ठंडक है, ऊपर देखो पेड़ मस्त। और अभी हम जाएंगे, आपको व्यू दिखाते हैं आगे का। अभी तो सारे जो पेड़ की वजह से सारे वो छुप गए हैं पहाड़ वहाड़ जो हैं, तो आपको दिख नहीं पाएगा यहाँ पे सारे पेड़ है ऊपर। सो गाइज़ ये है पालमपुर की मार्केट, यहाँ से शुरू होती है, वो एक्चुअली आगे जाके बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है, तो यहाँ से कुछ दिखने नहीं वाला आप लोगों को ज़्यादा। बट यहाँ से सामने जो ये जैसे बस है ना, इसके आगे बस मेन मार्केट सारी शुरू हो जाती है, और ये आगे तक मार्केट है। हम कोशिश करेंगे किसी दिन अलग से आके मार्केट दिखाने की यहाँ की, बट फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और ये देखिए हम पालमपुर में पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे क्योंकि हम लोगों को ऊपर जाना है पहाड़ों की ओर। तो ये सामने मार्केट है सारी, और यहाँ ट्रैफिक का सीन रहता है काफ़ी, और रश तो भर भर के है यहाँ पे। इस अभी राइट हैंड साइड पे आपको दिखेंगे टी गार्डन्स पालमपुर के यू नो, कांगड़ा टी बहुत फेमस है हिमाचल की, तो आपको दिखाता हूँ। ओह ये तो सारा अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, बट आपको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा देख के। टी गार्डन्स अभी तो हरियाली इतनी नहीं है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। हाँ वही कटिंग का सीज़न मेरे ख्याल से हो गया है कि हो रहा है जो भी है। तो ये है टी गार्डन्स यहाँ के जो कि आपको दिख रहे हैं, और आगे भी दिखेंगे, ये यहीं पे नहीं है सिर्फ, और भी आगे जाके। यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड पे टी गार्डन बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, एंड राइट साइड पे भी टी गार्डन है यहाँ पे, बट दिखेंगे नहीं आगे आपको, आगे जाके दिखेंगे। 3, 2, 1 और 1 क्या आपको दिख ही गया होगा, बड़े बड़े पहाड़ सामने एकदम मस्त। और ये देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़, तो गाइस यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो अभी दिखेंगे नहीं क्योंकि धुंध है, बहुत छुप गए हैं, थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जिस दिन साफ़ होगा उस दिन आप देखोगे तो एकदम अलग चीज़ है इसकी। मैं फ़ोटो आपको डालूंगा, अगर मैंने शायद इंस्टाग्राम में डाली हुई होगी तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना उस फोटो का, आपको पता चलेगा कितनी मस्त जगह है। सो गाइज़ अभी हम ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अभी मैं आपको बताऊँगा नहीं एग्जैक्टली घर में हम कहाँ जा रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड प्राइवेसी। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने घर, अभी दिवाली मनाएंगे और थोड़े मज़े वज़े करेंगे। और इसके बाद यहाँ के वीडियोस आने वाले बहुत सारे, तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं हिमाचल के डालने वाला हूँ। इसलिए मैं अपना कैमरा लेके आऊँ, इसलिए मैंने चंडीगढ़ से ही वीडियो स्टार्ट किया ताकि एक पूरा जर्नी टाइप वाला फील आया आप लोगों को। सो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।